राज है सुड्डा जी और हमारे पूर्व पार्षद की धर्मपत्नी जी, जिन्होंने पिछले कार्यकाल में आप लोगों की गली में घर घर जा करके अपने ट्रैक्टर से इन गलियों को बनवाने का काम कराया। वो भाई सुरेश आपके बीच में खड़े हैं आज, और जितना विकास कार्य है मैं इस बात की गवाही देता हूँ पूरी कॉलोनी के बीच में, भाई सुरेश के साथ में मैं अपनी समस्या को लेकर के चला और मेरी समस्या इन्होंने मतलब काटने का काम कराया। किसी ठेकेदार के साथ मिलकर हमारे काम को जोड़े रखा, मेरे को किसी भी समय में काम पड़ा, मेरे को कॉलोनी की तरफ से कोई भी इन्होंने ना नहीं किया, फोन मार के ये कहते थे अगर भाई मेरे को बता लाइट कहाँ लगवानी है, दो लाइट मंजूर हुई है, एक मंदिर पे लगवाई है और दूसरी लाइट आपकी चकारा कॉलोनी के पास में लगनी थी, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर लगने नहीं दी। किसी कारणवश वो लाइट वहाँ कबीर बस्ती के वहाँ जा करके उस चौक के माता के पास में लगी। तो भाई से हमने इतना मतलब हमारे अंदर इतना विश्वास लेकर के चले, किसी के काम के लिए मना नहीं किया कभी भी, और आपकी कॉलोनी के बीच में फोन मार दिया, आपकी कॉलोनी के बीच में मतलब रहे हैं, हमने ये एक्सपीरियंस देखा है। और अब की बार हम यही कहते हैं जो भी भाई सुरेश जी से मतलब जुड़े हैं, आप लोग इसके कार्यकाल में इसके काम को देखो। और भाई हुड्डा जी, रणवीर जी, राजवाला जी, मैं यही विश्वास और जनता के बीच में यही कहने के लिए आया हूँ, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लेना। दो महीने के मतलब टाइम में आप लोगों के तार हट जाएंगे भाई, जो भी वो मतलब जो जिसके मकान के ऊपर के तार जा रहे हैं, विधायक जी यहाँ बोल गए हैं, जो भी आपके मतलब घरों के ऊपर वो दो तार जा रहे हैं, जो जनता हमारे घर के सामने मतलब रो रही थी सुबह के, और वो मतलब तार वगैरह वो दो महीने के बाद में आपको हटवाने का कार्य करेगी। और भाई सुरेश ने एक बात का और मेरे को आश्वासन दिलाया है कि सिर्फ मेरे को मात्र 15 दिन का टाइम दे देना, आपका जो रोड है, जो गंध 5 साल से आपकी कॉलोनी में बह रहा है, उसको खत्म करने का काम भाई रणवीर और भाई सुरेश और मैडम जी आपके बीच में है, आपके 21 दिन नहीं होने देंगे, उस गंध को खत्म कर देंगे आपकी कॉलोनी का। आप लोगों से मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भगवती जी, प्रधान जी, भाई पंडित जी, हमारे दादाजी, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी बड़े छोटे भाई सब खड़े हैं, मैं इनका यही मतलब आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि अपनी कॉलोनी के विकास की तरफ लेकर चलो जनता को, तब तो आप में मतलब हिम्मत है। वहाँ 19 तारीख जाने के बाद में आपके हाथ में कोई पावर नहीं होगी, अभी तक हमारे हाथ में पावर है और हम अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह करेंगे तो आगे हमारे काम होंगे और ठोक बजा के काम लेंगे। मैं आपकी कॉलोनी के बीच में कहना चाहता हूँ, ठोक बजा के काम लेंगे, वोट देंगे तो ठोक बजा के लेंगे भाई, ठीक है। तो मैं घना कुछ नहीं कहने के चाहता आप लोगों के बीच में, भाई सुरेश और भाई रणबीर दोनों मैडम मिलजुल का काम करेंगे विकास का, इसको 31 नंबर वार्ड का, आपको 31 नंबर वार्ड में कोई भी मतलब आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा वोटों से मैडम को लाओ कमल के निशान पे। और 19 तारीख का दिन होगा, 19 तारीख का दिन होगा,